नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज के बाद टी20आई सीरीज खेली जा रही थी। सीरीज का दूसरा मैच मंगलवार 27 जुलाई को होना था, हालांकि इससे पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा और सीरीज पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे थे। भारतीय ऑलराउंडर कृणाल पांड्या की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसी वजह से दूसरा टी20आई मैच टाल दिया गया। इसके बाद अब सभी खिलाड़ियों का एक बार फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आती है तब श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20आई मैच बुधवार 28 जुलाई को खेला जाएगा। आपको बता दें, सीरीज का तीसरा मैच 29 जुलाई को खेला जाना है और वो तय समय पर ही खेली जानी है। बीसीसीआई की जारी मीडिया एडवाइजरी में इस बात का साफ उल्लेख किया गया है कि सभी खिलाड़ियों का, इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ का भी आरटीपीसीआर टेस्ट आज ही किया जाएगा और जिसके बाद खिलाड़ी अगर नेगेटिव पाए जाते हैं तो ही दूसरा टी20आई मैच 28 जुलाई को बुधवार को खेला जाएगा। इसके अलावा तीसरा टी20आई मैच 29 जुलाई को पहले की तरह ही खेला जाएगा तय समय पर। आपको बता दें, मंगलवार सुबह यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर कृणाल पांड्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मानो हड़कंप मच गया। आपको बता दें, टीम इंडिया के 8 खिलाड़ी कृणाल पांड्या के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे, जिसके बाद उन्हें भी आइसोलेशन में भेज दिया गया है, जिसमें टीम के कई सीनियर खिलाड़ी हैं। आपको बता दें, कृणाल पांड्या ने सीरीज के 2 ओडीआई मैचों के अलावा पहला टी20आई मैच भी खेला था, जिसमें 1 विकेट निकालकर 16 रन दिए थे। इसके अलावा वनडे सीरीज के दौरान भी कृणाल पांड्या ने काफी किफायती गेंदबाजी कर काफी सुर्खियां बटोरी थी। आने वाले टी20 वर्ल्ड कप और आईपीएल के लिए भी कृणाल पांड्या काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना है क्या बाकी टीम के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं या नहीं। अभी भी सीरीज पर खतरा जरूर मंडरा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।